वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मैं नकुल और आप देख रहे हैं हुंडई की क्रेटा एस प्लस नाइट एडिशन। और ये पेट्रोल वेरिएंट में गाड़ी है गाइस, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी, सबसे पहले तो हम पूरी गाड़ी दिखला दें, उसके बारे में गाड़ी क्या। अगर ये वीडियो में हम आपको पूरे अपडेट करेंगे, क्या है इसका परफॉर्मेंस, क्या फीचर्स है, क्या ऑन रोड है, कितना माइलेज है, ये सारा आपको डिटेल हम आपको इस वीडियो में अपडेट करेंगे गाइस। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। अगर यदि हम सामने की ओर चलते हैं और सामने में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलता है, जो कि काफ़ी मस्कुलर्स को फील करवाता है। और जो रेड लाइनिंग जो दिया गया रेड टिचिंग, वो वाकई में बहुत अच्छा, मतलब स्पोर्टी को फील करवाता है। अगर यदि हम यहाँ पर लाइट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं गाइस, लाइट में आपको ट्विन एलईडी हेडलाइट आपको दिया गया है, ट्विन एलईडी हेडलाइट आपको दिया गया है, जो कि आपका ये है। और वाकई में मतलब ये जो लाइट जो है वाकई में बहुत पावरफुल है। इसका एलईडी लाइट है, वाइट कलर का निकलता है विथ डीआरएल के साथ। यहाँ पूरा आपको डीआरएल दिया गया है, हजार्ड लाइट का इंडिकेस, टर्निंग इंडिकेटर, यहाँ पर एरो कटिंग आपको दिया गया है, जो कि टायर जब गाड़ी चलती है तो गर्म होती है तो ठंडा हवा यानी कि टायर को मिलता है, वहाँ पे दिया गया है। अगर यदि स्किट प्लेट की बात करेंगे तो ब्लैक फिनिश में स्किट प्लेट दिया गया है, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत अच्छा, मतलब ये जो क्रेटा का वेरिएंट है वो वाकई में बहुत अच्छा लुक्स को ये करवाता है। अगर यदि हम टायर का साइज़ की बात कर लें तो 205/65 R16 इंच का आपको टायर प्रोवाइड किया गया है। हालाँकि ये अपोलो का टायर है, आप देख सकते गाइस, अपोलो मतलब ये अलॉय व्हील आपको दिया गया है, गन मेटालिक अलॉय व्हील है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अगर यदि यहाँ पे क्लिपर की बात कर लेंगे तो जो डिस्क ब्रेक दिया गया है, वो डिस्क ब्रेक में आपको रेड क्लिपर दिया गया है, जो कि स्पोर्टी को फील करवाता है। वाकई में ये मतलब बहुत अच्छा एक फील जो आता है ना, बहुत अच्छा फील आता है। अगर यदि इसका बोनेट की बात कर लें तो बोनेट सेफ भी बहुत अच्छा, मतलब इंपोर्टेड गाड़ी की तरह ये नीचे सेम आपको डिक्टो दिखता है। इसका कंपटीटर के क्रेटा तो आप जानते ही, हाई डिमांडेबल गाड़ी है। इसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसका वेटिंग इतना चल रहा है, तीन से चार महीने का वेटिंग चल रहा है। ऊपर से ये नाइट एडिशन, एस प्लस नाइट एडिशन। अगर यदि एस प्लस नाइट एडिशन के फीचर्स के बारे में, अगर अभी हम बोध गया कि लुमिनी हुंडई शोरूम में है और इसका ऑन रोड पड़ रहा है 16 लाख रुपया ऑन रोड। स्टेट वाइज चेंज भी होता है, बट अभी प्रेजेंट में ये आपको है। अगर यदि हम ORBM पे बात कर लें तो ब्लैक फिनिश में ORBM आपको दिया गया है, जो कि LED हजार्ड लाइट इंडिकेटर्स के साथ। अगर यदि हम ऊपर बात करें तो ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं, मतलब रूफ रेल जो दिया गया है ब्लैक फिनिश में वाकई में बहुत अच्छा फील करवाता है। और यहाँ पर ऊपर से आपको शार्क फिन एंटीना ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है। अगर यदि यहाँ पीछे की हम बात कर लें तो हाई स्टॉप माउंट लाइट ऊपर में ना देके आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड डिफोगर रेयर वाइपर आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर यदि यहाँ पे बात कर लेंगे गाइस, यहाँ पे बात कर लेंगे तो डार्क क्रोम फिनिश में आपको हुंडई की लोगो मिलता है, क्रेटा की बैजिंग मिलता है, एंड नाइट का आपको बैजिंग प्रोवाइड करता है। अगर यदि हम रेयर स्किट प्लेट की बात कर लेंगे तो ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया है रेयर स्किट प्लेट, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और वाकई में जब आप जानते हैं बिहार झारखंड इंडिया के रोडों के लिए बाइक लोगों का वहाँ ब्रेक ही आपको स्किट प्लेट पर ही लगता है, जब तक टच नहीं करेगा तब तक। हालाँकि ये काफ़ी हार्ड मेटल यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपको कोई टच वगैरह ये करता है तो कोई दाग वगैरह नहीं आता है, काफ़ी हार्ड मेटल यूज़ किया गया है। अगर यदि यहाँ पे लाइट की बात कर लेंगे तो LED टेल लैंप आपको दिया गया है। और बूट स्पेस इसका खैर वाकई में बहुत अच्छा है। बूट स्पेस मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ, यहाँ पे पावर बटन है, इसको ओपन करके आप बूट को ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे, छोटा हैंड बैग वगैरह है तो आप पार्सल ट्रे पर ही डाल सकते हैं, नहीं तो आपको ये आपका स्पेस है बूट स्पेस, मतलब आपका जो बूट स्पेस है 451 लीटर का बूट स्पेस, मतलब वाकई में बहुत बड़ा बड़ा लैगेज आपको इजीली आ जाना है। इसके अंदर स्पेयर व्हील होती है, हालांकि हुंडई की 1 इंच छोटी होती है स्पेयर व्हील, आप इसको स्टेपनी में यूज़ कर सकते हैं, मेन टायर नहीं बना सकते हैं गाइस। अगर यदि हम इंटीरियर की बात कर लेंगे तो सबसे पहले तो हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करेंगे, तो कंपनी क्लेम करती है फ्यूल कैपेसिटी का 45 लीटर, बट इसमें 55 लीटर तक चली जाती है, हालांकि जितना कंपनी बताता है उतना ही लेना चाहिए। और इसका ब्रेक की बात करेंगे तो ABS प्लस ABT
आगे डिश है, पीछे ड्रैम है। इसका माइलेज का लेके बात कर ले गाइस, तो माइलेज इसका बहुत अच्छा है। माइलेज इसका मतलब माइलेज इसका जो है वो माइलेज आपका सिटी माइलेज है 18 और हाईवे माइलेज है 20। तो माइलेज मतलब एक्सयूवी गाड़ी है तो माइलेज इतना मतलब ये होगा ही। अगर यदि हम इधर की बात कर लें सीट का, तो हालांकि इसमें सीट कवर लगाया गया है, फैब्रिक सीट यूज़ किया गया है। अगर यदि हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो रेयर इवेंट भी आपको प्रोवाइड करता है एंड फास्ट चार्जिंग के साथ फ़ोन होल्डर भी आपको प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पे दिया गया है सिल्वर फिनिशिंग में जो लाइनिंग, वाकई में बहुत अच्छा, मतलब देखने से थोड़ा अच्छा फील, गुड्स फील आता है। अगर यदि हम इसका सेफ्टी रेटिंग की बात कर लेंगे तो सेफ्टी रेटिंग इसका वाकई में बहुत अच्छा है। हुंडई ने बिना सेफ्टी का तो खैर कोई गाड़ी ही नहीं बनाया है, और ये क्रेटा का जो सेफ्टी है वो वाकई में बहुत अच्छा है। इसका एयरबैग की बात कर लेंगे तो ड्राइवर साइड स्टीयरिंग में एंड को ड्राइवर यहाँ पे आपको दो एयरबैग प्रोवाइड करते हैं गाइस। अगर यदि हम एसी का विंट यहाँ के बात कर लें तो रेड टीचिंग किया गया है ये में एसी का विंट में, जो कि काफ़ी अच्छा गुड्स फीलिंग आता है। अगर यदि हम क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर लें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले मिलता है, और यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी अच्छा काफ़ी अच्छा सारा फीचर आपको मिल जाता है, जैसा क्रूज कंट्रोल, एमआईडी कंट्रोल, क्रूज को प्लस माइनस कर सकते हैं, क्रूज को प्लस 30 से एक्टिवेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड आपको दिया गया है स्टीयरिंग में, और मोड है फोन पिकअप, रिजैक्ट, वॉल्यूम प्लस, ये सब आप कर सकते हैं गाइस। अगर यदि हम गियर की बात कर लें तो 6 गियर की गाड़ी आप देख सकते हैं गाइस, 6 गियर की गाड़ी मतलब रिवर्स गियर। यहाँ पे इसको ये जो हुड है इसको दबा के आगे की ओर करता है तो ये रिवर्स लगता है। यहाँ पे हम नॉर्मली जो चार्जिंग का पॉइंट है 12 वोल्ट का है, पेन ड्राइव सपोर्टेड एंड फास्ट चार्जिंग केबल लगा के आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेयर, इसके अंदर ये आपको जो ग्लव बॉक्स दिया गया है वो कूल ग्लव बॉक्स है। अगर यदि मार्केट से पानी बॉटल, चॉकलेट कैरी कर रहे हैं तो गाड़ी बंद होने के 4 घंटा बाद भी आपको चिल्ड मिलता है गाइस। अगर यदि हम इसका परफॉर्मेंस की बात कर लें तो हालांकि क्रेटा अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी लोग जो बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित होते हैं वो क्रेटा हुंडई का ही गाड़ी चूज़ करते हैं, क्योंकि वो गाड़ी सेल्फ ड्राइव होती है, और दूसरी बात थोड़ा चलाने में जो ब्रेकिंग का जो है ना, ब्रेकिंग और हैंडलिंग इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर यदि इसका कंपटीटर की बात करें तो इस रेंज में आपको ना कि आपको सफारी और हैरियर और एक्सयूवी, ये सब इसका कंपटीटर, इसका सीधा कंपटीटर इंपोर्टेड गाड़ी से ही कंपटीटर इसका करता है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यदि ये कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपका सवाल है, वो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी का डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तब तक कि जय हिंद, जय भारत।